हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन एंड हॉस्पिटल के बारे में। ये जो कॉलेज है ये ढाका सिटी में लोकेटेड है और ढाका सिटी एयरपोर्ट के पास एक प्लेस है जिसका नाम है उत्तरा। तो फ्रेंड्स चलो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कॉलेज है ये कॉलेज 1992 में एस्टैब्लिश हुई है। दिस कॉलेज एफिलिएटेड बाय ढाका यूनिवर्सिटी। दिस कॉलेज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ ही WHO और NMC से रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो फ्रेंड्स इस मेडिकल कॉलेज में 130 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है और बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस में टोटल सीट्स में से 50% सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी के सीट्स लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। इस मेडिकल कॉलेज की एकेडमिक स्टाफ है 108। इस मेडिकल कॉलेज की मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। यहाँ पे आज के टाइम में 300+ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। अभी अगर इस मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे फुली एयर कंडीशन्ड है। यहाँ पर आपको वाईफाई, इंटरनेट, कैंटीन, कैफेटेरिया, प्रेयर रूम्स एंड CCTV कैमरा भी अवेलेबल है। इस मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स, पैथोलॉजी सभी अवेलेबल है। अभी अगर हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो इनका जो हॉस्पिटल है वो 500+ बेडेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसका टोटल स्पेस है 1,20,000 स्क्वायर फीट। और जो हॉस्पिटल के फैसिलिटीज है यहाँ पर आपको 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, OPD, एम्बुलेंस ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अभी हॉस्टल्स के बारे में बोला जाए तो इनका जो हॉस्टल्स है वो प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल है। बात करें हम हॉस्टल्स की फैसिलिटीज की तो ये फुली एयर कंडीशन है। यहाँ पर आपको इंटरनेट, वाईफाई, डाइनिंग रूम, कैंटीन, कैफेटेरिया सारे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपको दो टाइप का फूड प्रोवाइड किया जाता है, एक है वेज और एक है नॉन वेज। यहाँ पे आपको 3 times का मील प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो लोकेशन है सेक्टर 1 में पड़ता है जो ढाका एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है या फिर इन्फॉर्मेशन गाइड करनी है तो मेरे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर करना, वहीं से आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगले एक नए कॉलेज के साथ।